हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में वीडियो बनवाने के चक्कर में गाजियाबाद का छात्र आयुष ओम पुल के निकट गंगा में डूब गया। छात्र देहरादून में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहा था और अपने चार दोस्तों के साथ हरिद्वार आया था और ओम पुल के निकट गंगा में कूदकर वीडियो बनवा रहा था कि वो गंगा में डूब गया और उसका दोस्त वीडियो ही बनाता रह गया। छात्र के डूबने पर उसके दोस्तों ने हल्ला मचाया, जिस पर पुलिस और जल पुलिस ने पहुंचकर सर्च अभियान भी चलाया। अभी भी छात्र की तलाश जारी है। देखिए, एक छात्र आयुष नाम है उसका, वो गाजियाबाद का रहने वाला है और देहरादून में एनडीए की तैयारी कर रहा था। अपने दोस्तों के साथ छुट्टी थी तो दोस्तों के साथ आया हुआ था और ये ओम पुल के पास वहाँ पे डाइव लगाने की कोशिश किया और गहरा पानी होने की वजह से वहाँ पे वो स्विमिंग नहीं कर पाया और जिससे उस डूब गया। तो मौके पे हमारी जो राहत टीम थी फ्लड वाली, वो भी पहुंची हुई थी और आज भी हमारी टीम लगी हुई है, उसको सर्च कर रहे हैं। अभी मिला नहीं, उसकी बॉडी नहीं मिली, अभी सर्च कर रहे हैं, हमारी जो टीम है उसको सर्च कर रहे हैं। सर, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार। एक उस दिन बड़ी गंगा में भी इस तरह की एक घटना हुई कि एक छात्र डूबा वहाँ पर और वीडियो बनाते हुए, और ये दूसरी घटना इस तरह की। देखिए, जो बेसिकली हम लोग लगभग सबको लगातार बता भी रहे हैं और हमारे यहाँ से अनाउंसमेंट भी होता रहता है, कुछ छात्र जो आते हैं उनको स्विमिंग आती है लेकिन वो गंगा जी में स्विमिंग नहीं कर पाते हैं। और पिछला भी जो एपिसोड हुआ था उसमें वो काफ़ी दूर तक स्विमिंग करते हुए चला गया था और वहाँ पे जाके थक गया, जिसकी वजह से वो वापसी अपनी नहीं कर पाया। और यहाँ भी यही स्थिति हुई कि गहरे पानी में जाने की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो लोगों से अपील भी करते रहते हैं और आप लोगों के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि आप आइए, तो यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है, सब कुछ है गंगा जी में। अगर आप स्नान करने आ रहे हैं तो रेलिंग को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित प्लेस पे ही स्नान करिए और वापस सकुशल अपने घर जाइए। हरिद्वार से मदित अग्रवाल की रिपोर्ट।